वो अपने आप से ही प्रेम करेंगे स्वयं प्रेमी होंगे धन के प्रेमी होंगे दे विल बी बोस्टफुल एंड प्राउड वो ढिंगमार होंगे अभिमानी होंगे स्कॉफ़िंग एट गॉड डिसओबीडिएंट टू देयर पेरेंट्स परमेश्वर के निंदक होंगे माता-पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे एंड अनग्रेटीफुल कृतघ्न होंगे दे विल कंसीडर नथिंग सेक्रेट किसी भी चीज को वो पवित्र ना जानेंगे दे विल बी अनलविंग एंड अनफॉरगिविंग वो क्षमा रहित होंगे दे सेल्फ कंट्रोल दूसरों पर दोष लगाएंगे असयमी होंगे दे विल बी क्रूअल एंड हेट वो कठोर या क्रूर होंगे और भले कामों के बी रेकलेस बी पफ प्राइड वो विश्वासघाती होंगे ढीठ और घमंडी होंगे अलव प्लेजर राधर देन गॉड और परमेश्वर के नहीं वरण सुख विलास ही के रिलीजियस और वो धर्म भक्ति का भेष तो दर दे रिजेक्ट गॉडली पर उस, उसकी शक्ति को ना मानेंगे बहुत कह रहा है। अवे फ्रॉम पीपल लाइक से परे रहना, रहना। दूर अगर इन तीन वचनों को हम संक्षिप्त डे अंत के दिनों में होने वाली तीन महत्वपूर्ण चीजों को हम देख पाते हैं स्वयं होंगे धन के प्रेम लव ऑफ प्लेजर सुख विलास के ही प्रेमी people What just they love themselves. They don't care for anybody else. And the only thing that attracts them is money. एकमात्र चीज जो उन्हें आकर्षित करता है वो पैसा है और पाप की कई चीजों को लोग धन के प्रेम के कारण करते हैं और लोग सुख विलास के चाहने वाले होंगे सो हाउ यू आई आर गोइंग टू लर्न टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशंस ऐसी परिस्थितियों से हम लोग कैसे निपटें इज वेरी सैड थिंग टू सी दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग ये बहुत ही ये दुख की बात है देखना कि हजारों लोगों की जान जा रही है। को हम सोचते हैं कि प्रभु कैसे इन सब चीजों को संभालेगा सो दिस मॉर्निंग एट दिस टाइम वी ऑल विल टुगेदर वी जस्ट स्टडी द वर्ड एंड फाइंड आउट एंड रिसीव द कंफर्ट एंड द कंसोलेशन

परिस्थिति में हर एक चीज में हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है। As usual और जैसे हर बार तीन बिंदु मेरे पास हैं बात के लिए। Point आज का पहला बिंदु है God is परमेश्वर संप्रभुत्व रखता है। God is sovereign। परमेश्वर ही संप्रभुत्व रखता है। He is the supreme commander of the whole universe। पूरे सृष्टि का वही मालिक हैं। He is a omnipotent god। वो सर्व शक्तिमा शक्तिशाली परमेश वो सर्वशक्तिशाली सर्वंका वो सर्व ऑल सीइंग वो, वो सब कुछ देखता है जानता है वो सर्व उपस्थित वो हर जगह पर in India, है इंडिया ही इज इन चाइना ही इज इन अमेरिका द सेम टाइम एक ही समय में भारत में है अमेरिका में है चीन में हर जगह पर है आई अवन यू एंड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर वेरी क्लियरली मैं चाहूंगा कि आप इस बिंदु को सही रूप से संप्रभुत्व रखने वाला क्रिएटेड होल वर्ल्ड विद वर्ल्ड उसने अपने वचन के द्वारा पूरे संसार के रिटेड एवरीथिंग विदाउट एनी कुछ नहीं था उसमें से उसने सब कुछ बनाया पावर टू क्रिएट एनी जो वो चाहता <laughs> है वो बना सकता है वो अपने There के is is जो जाकर परमेश्वर से सवाल उठा सके कि तू क्या कर रहा है is कोई भी जाकर परमेश्वर से नहीं कह सकता कि परमेश्वर आपको ऐसा He's करना चाहते और वो सबसे बड़ा महान सेनापति वायरस इज अंडर his control. Uh -huh. i just want to draw your attention to a verse from the bible. bible job chapter 1 verse 6, ayub there's something happening in the heavenlies. job chapter 1 verse 6, now there was a day when the sons of god came to present themselves before the lord and satan came also among them.

वचन बतलाता है कि परमेश्वर ही है जो संप्रभुत्व रखता है बाइबल बाइबल से हम एक और वचन को देख चैप्टर सिक्स वर्स ट्वेंटी भजन संहिता अड़सठ उसका वचन। इज अ गॉड हु सेव हमारा परमेश्वर हमें बचाता है। 68, Our God is a God who saves। हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। सॉवर इन लॉर्ड कम्स ये फ्रॉम डेथ और वो संप्रभुत्व रखने वाले परमेश्वर की ओर से हमें मृत्यु से to me right now। इस समय पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा संप्रभुत्व रखने वाले परमेश्वर से हमें मिलती है कि हम मृत्यु से you बच जाएं। फ्रॉमी आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे इस समय का ये वायरस ही नहीं

गिर्द कुछ भी क्यों ना हो आवर लॉर्ड यू हैव बीन माय होप हे अति महान संप्रभुत्व रखने वाले परमेश्वर तू मेरी कॉन्फिडेंट तू मेरा हियाव है सिंस माय यूथ मेरे बचपन से तू मेरा आधार है अ वेरी यंग एज युवा अवस्था से यू हैव बीन माई होप तू मेरी आशा यू हैव बीन माई कॉन्फिडेंस मेरा आधार है सुप्रीम कमांडर वही अति महान परमेश्वर है right आप हो सकता है किसी दूर दराज गांव में होमालय या कहीं हिमालय में हो डाउन इन एनी आयलैंड या किसी द्वीप समूह इन द मेट्रो या किसी महानगर आई वॉन्ट टू टेल यू मैं आपसे कहना आपका परमेश्वर संप्रभुत्व एंड योर डेलिवरेंस एंड योर सोलेशन एंड योर यस के कम फ्रॉम आपका छुटकारा आपकी आजादी उसकी ओर से आती है Can we all give a big clap unto कैन यू ऑल गिविकॉड राइट वेर यूर गिव अब परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं what? You may be sitting in your house.

will fall down niche gir those will

द प्रेजेंस ऑफ गॉड क्योंकि जब शैतान आक प्रभु के समुख में उपस्थित रीड द की पुस्तक में आगे के वचनों का आप जानते हैं प्रभु ने शैतान से क्या कहा आईज fall upon my servant क्या तूने मेरे सेवक अयूब को देखा जस्ट आई मीन you're excited. जब आप उसे पढ़ेंगे आप उत्सुक हो जाएंगे। पूरी दुनिया में, पूरी, पूरी सृष्टि में चांद तारे इतना कुछ है with the big वोशन बड़े बड़े महासागर हैं, पहाड़ हैं, मिलियंस ऑफ पीपल लाखों की तादाद में उसके बावजूद

Hey Israel, तेरा रचने वाला ही हु formed you, यू इजराय हे याकूब तेरा सृजनहार ही इज द वन हु क्रिएटेड यू and me. उसी ने तुझे और मुझे बनाया है डू नॉट फियर इसलिए मत डर डू नॉट फियर रहा है उससे मत डर डू नॉट दिस अबाउटिक वायरस इस महामारी के विषय में तू भयभीत ना हो। do not know how this originated. हम नहीं जानते ये कैसे शुरू हुआ लॉट ऑफ इसके पीछे कई सारी बातें चल रही हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू इट वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढने की कोशिश में सुपर आर स्क्रैम्बलिंग और कई बड़े बड़े देश जो है कई चीजों की टू सेव द डाइंग पीपल हर संभव प्रयास चल रहा है कि हालेलुया लेकिन यहाँ पर ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर है मत फॉर आई डीम क्यूँकी मैंने तुझे छुड़ा लिया यू बाई ने मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया बिगन टू दालियां बजाएं परमेश्वर गॉड नोस योर नेम पर आपके नाम को जाके है यू बिलोंग टू जीसस आप इशू के हैं और अट टू सेव फॉर यू एंड मी I belong to Jesus you belong to Jesus ये क्या ही आनंद की बात है ये कहना कि आप और मैं हम ईशु के हैं He is conscious of you वो आपके बार, आपको जानता है He knows how many hairs you are you are having on your head वो ये भी जानता है कि आपके सर में कितने बाल हैं When you pass through the waters जब तू जल में होकर जाए I will be with you मैं तेरे संग संग रहूंगा And when you pass through the rivers जब तू नदियों में होकर चले They will not sweep over तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे When you walk through the fire, जब तू आग में चले you will not be burned. तब तुझे आँच will not set you ablaze. उसकी लौ तुझे ना जला सके और ब्यूटिफुलिस एवरी वन ऑफ हम today. में से हर एक जन के लिए क्या अद्भुत वायदा waters, चाहे पानी में हो or in floods, या बाढ़ में हो or in fire, या आग में हो ओ शादराख में शाह शादराख

Chapter two, verse nineteen. I'm reading it in NIV. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription. तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है फाउंडेशन ऑफ गॉड इज सील्ड विद दीज वर्ड्स। परमेश्वर की पक्की नींव इन बातों के द्वारा उस पर है। लॉर्ड और लॉर्ड नोस दो प्रभु अपनों <laughs> को तो तालियां बजाएं प्रभु के लेक योर हाउस ऑफ प्रेयर अपने घर को प्रार्थना का घर बना

where your salary is going to come. but as you heard this morning came, in the exhortation, your two months salary will be given to you in cash. Hallelujah. come on, give a big clap to jesus. he is worthy of our praise. we are not worshipping a dead god. he is alive. he is inside your heart. and he is living with you all the time. time. वो हर समय आपके साथ रहता है. So God knows what's happening around you. परमेश्वर जानता है कि आपके साथ क्या हो रहा है. I say, Pastor, I feel sometimes lonely. आप बोल सकते हैं कि पास्टर कई बार मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ. वो उसे भी जानता है यू से पास्टर सम टाइम आई फील सो रिजेक्टेड आप कहते हैं पास्टर कई बार मैं बहुत ही तिरस्कार की भावना से जूझता हूं आई वंडरिंग वेदर आई कैन मेक इट मैं सोचता हूं क्या मैं कुछ कर पाऊंगा भी I या नहीं you, you मैं आपसे कहूंगा हाँ आप और मैं अपनी ताकत के द्वारा But मैं आई कैन लेकिन वो मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं you know अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हैं आप महान कार्यों को करेंगे तीसरे बिंदु पर आएंगे गॉड लव्स टू वॉक यू थ्रू परमेश्वर पसंद करता है कि आपको ले लेवर इन गॉड वो अति सम्प्रभुत्विंग इन योर लाइव वो जानता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है एंड इज अ गॉड हु लव्स टू वॉक यू थ्रू वो परमेश्वर आपको संग आगे ले जाना चाहता है यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा वन डे आईड्रीम इन माई लाइफ मैंने एक सपना एक दिन देखा इज अ ड्रीम लाइक इज देर इज अग ब्रिज वो एक सपना था जिसमें मैंने एक बड़े पुल the that's a, that's a mountain, और उसके नीचे जो है पहाड़ से एक नदी बहकर उस पुल के नीचे बहुत ही उपजाऊ जगह है ब्रिज और वो, वो, वो नदी जो है पानी जो है पहाड़ से, से बहते हुए like मैं अपने आप को एक छोटे देखता मे बी स्मॉल लिटिल बॉय और अ गर्ल एक छोटे लड़के के रूप में मैं स्टैंडिंग बाय खड़े हैंटर हम दोनों उस पानी पर खड़े थे जस्ट लुक्स लाइक अनस प्लेस और ऐसा लग रहा था एक पहाड़ी पर रिवर द रिवर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन एंड गोइंग थ्रू अंडर

उसने कहा मुझसे मैं जानता हूं कई बार तो इस पुल को पार करना चाहता था बट यू फेल डाउन लेकिन तू तो इस पुल से नीचे गिर गया एंड यू जस्ट ट्राई टू पास थ्रू दिस ब्रिज तूने कोशिश किया कि इस पुल को तू तो पार करे यू वांटेड टू रीच द अदर साइड तो दूसरी ओर पहुंचना चाहता था बट यू फेल डाउन लेकिन तू तो गिर गया But You know, I want to tell you something. Jesus talking to me in the in the in the dream. And when you fell down, I did not allow the waters to wash you out. And now I will walk you through. Hallelujah. You might have fallen many times in your life. And I want you to look at another verse from the Bible. Taken from Second Corinthians chapter four verse nine. I'm reading it from the Living Bible. Second Corinthians four nine. We are hunted down. और हम जो हैं सताए तो जाते We are हैं। वी आर हंटेड डाउन और हमें सत, हम सताए जाते We are persecuted. हैं। वी हम आर हमें शर्मिंदा किया जाता है। बट गॉड परमेश्वर हमें कभी नहीं, नहीं Whatever is happening in your लाइफ आपके जीवन में चाहे कुछ मिस हो। रहा। loneliness, गलत फैमिया लोनलीनेस अकेलापन। रिजेक्शन तिरस्कार है Gripped by fear। डर से निराशाएं और कई उलझी सी कई बीमारियां you know परमेश्वर के जनो में आपसे कहूँ ने संप्रभुत्व रखने वाला परमेश्वर आपको कभी नहीं Paul, he क्या कह रहा है हम गिराए तो जाते हैं We get up again. लेकिन फिर से उठ खड़े होते और चलते जाते हैं है. कई बार शैतान ने आपको गिरा दिया होगा फ्रेंड्स यू मे बी डाउन मित्रों आप गिरा दिए यू मे बी डाउन आप गिरा दिए यूर नॉट Out, hallelujah. You are still inside the ring. And you hear the sound of the Holy Spirit banging. Hallelujah. Come on. One, two, three, four. You may be down, but you are not out. We get up again and we keep going. Hallelujah. Greater is say That is in us done it.

सब कुछ सिटिंग शरीर में फोड़े हैं घर के बाहर वो बैठा है. With a small little stone in his hand, और उसके हाथ में एक पत्थर द बॉय रहा है अपने शरीर इन द सनलाइट इज सिटिंग सूरज की गर्मी में and वो his वो बैठा wife है, comes उसकी पत्नी आती and है. हिम उससे कहती है हाउ लॉन्ग यूल बी होल्डिंग ऑन ट्यूर होनेस्टी कब तक तू अपनी ईमानदारी को पकड़े रहे गार्डन The time has come for you to give up. Yes, you know what he says you know what है? he says look at the Bible Job chapter 19 verse 25 and Job in that situation he says like this I know that that my redeemer Or मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। चाहे कोरोना वायरस हो, हो यानी प्रॉब्लम चाहे कोई बीमारी हो या मुंह खोल करके मेरा छुड़ाने वाला जीवित नथिंग है उसकी अनुमति बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकताइज फॉलो अपन माई सर्वेंट शैतान क्या तेरी आंखें मेरे बेटे पे पड़ी यस आई नो बट आई कैन नॉट टच हिम

Enemy cannot touch you. Hallelujah. Lekin he that touches you touches the

to me and I'm not going to die. मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रभु ने मेरी मदद नहीं की प्रभु मेरे साथ नहीं है ये सब नहीं no चाहे वह मुझे मार yet भी डाले, I will trust in him. फिर भी मैं उसी पर भरोसा करूंगा दैट इज अवर गॉड ये हमारा एक और बात है जो हमें सीखना है रोमन चैप्टर फोर वी रोम सत्रह रोमन फोर सेवन थी रोमियो चार उसका सत्रह As it is written, जैसा लिखा है I have made thee a father of many nations। मैंने तुझ, तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। Before him Whom he believed Even God who quickeneth the dead and understand these words, the the preceding words are very important. And calleth those things which be not as though they were और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वही हैं i believe every child of god must understand the truth right here यहां के इस सत्य को जानना जरूरी है god calls those things which are not as if they are परमेश्वर उन चीजों को ऐसे पुकारता है कि मानो वो हैं come on children of god give a big a clap unto the lord जोरदार तालियां बजाएं परमेश्वर के लिए learn to call those things which are not as if उन चीजों को जो नहीं है मानो ऐसे पुकारो पुकारे की मानो वो है आप बीमारियों से गुजर रहे हैं आप परमेश्वर के नाम को को ले उसके कोड़े खाने चंगे हुए हैं, और चंगाई अपने जीवन में आने आना अगर आपके बच्चे दूर चले कॉल फॉर टू लो दॉ विश्वास में बुलाएं कि वो प्रभु को ब्लेसिंग इन बिजनेस बिजनेस में

fasting sometime we come to a crossroad and we don't feel like trusting in god anymore <laughs> and then we think that we are the worst of people that

वो सोच रहे थे कि क्या सच में परमेश्वर मुझ पे भरोसा करता है कि क्या सच में परमेश्वर मुझ पे विश्वास उसे एक पाठ सिखाया मैं आपको बताऊँ बॉय एंड अ गर्ल ब्रदर एंड सिस्टर जॉन एंड जेन जॉन और जेन नामक भाई बहन जॉन लव्स टू प्ले विद द मार्बल्स ब्लू मार्बल एंड ब्लू मार्बल्स जॉन जो है उसे कंचों से खेलना बहुत पसंद था यस वन ऑफ द मार्बल्स ही ऑलवेज लव इज अ ब्लू मार्बल और उन सब कंचों में एक कंचा था जो नीले रंग का था और उसका सबसे पसंदीदा था एंड जेन यू नो शी ऑलवेज लव्स स्वीट बिकॉज़ शी इज़ अ गर्ल और जेन जो है जो उसकी बहन थी उसे मिठाइयां बहुत पसंद थीं so one day his, uh, their parents father brought some marbles to john and some sweet to the girl jane or they're enjoying together suddenly john had a thought

and god talked to finny. और परमेश्वर ने फिनी से बात की। I love you with all my heart. मैं अपने पूरे दिल से तुमसे प्रेम करता हूं चार्ल्स फिनी। But you are not loving me with all your heart. लेकिन तुम मुझसे पूरे दिल से प्रेम नहीं करते। And that's why you have doubt. इसीलिए तुम्हारे अंदर संदेह है। That's why you don't want to trust me. इसीलिए तुम मुझ पे भरोसा नहीं करना चाहते। But My loving child. अगर मेरा प्रेम कर No प्रेम matter what, what you do.

Habakkuk chapter 3, verse 17 and 18. We are going to read it right now. Although the fig tree shall not blossom. और हो सकता है अंजीर के वृक्ष फल ना दे इधर शेल फ्रूट बी इन द वाइन हो सकता है में फल ना लगे अंजीर द लेबर ऑफ द ऑलिव फेल जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा जाए द फील्ड यील्ड नो मीट खेतों में अन्न ना उपजे द फ्लॉक शेल बी कट ऑफ फ्रॉम द फोल्ड भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना बी नो शालाओं इन द स्टॉल्स और ना थानों में गाय बैल हों It may be all my fruits are gone. My harvest is gone. All the animals are gone. I don't have anything in my field, anything in the stalls. खेतों में कुछ आप देखिए भी क्या तो मैं के के कारण अपने परमेश्वर जनमेटो देर आर्थिक चीजें आपके लिए उपलब्ध हो या ना मेवी योर रिलेशनशिप इज गेटिंग स्ट्रेन आर्थिक रूप से आप संघर्ष मेवी यू फील सो वीक इन योर लाइफ आप अपने जीवन

After all, you are his child. You may not even believe God. That doesn't make God angry. Because no, he is the one who created you. And the only place he can, he can leave is your little heart.

आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। जिनके जीवन में आवश्यकताएं हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी है अपने हाथ को अपनी छाती पिता ईशु के The name above every name. That at the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. In that mighty name, I pray for your people, God. You stretch out a hand, you touch them right now. You touch them right now. You are standing next to them, your presence is filling their house. तेरी उपस्थिति उन्हें घेरे हुए है. Your presence is filling their mind. तेरी उपस्थिति उनके मनों को घर रही है. And fear is leaving God. them, Father. डर उन्हें छोड़कर जा रहा है. Failures are leaving them, Father. असफलताएं उनसे दूर जा रही हैं। Depression God. is leaving them right now. निराशा उनके जीवन से हट रही है. Ill health is reeling, really leaving them right now. अस्वास्थ्य उनके जीवन से हट रहा है. And your strength is coming into their life. तेरी ताकत उनके जीवन में आ रही है. Father, in the mighty name of Jesus. पिता यीशु के सामने नाम से. I request to God. प्रभु मेरा निवेदन है. Sovereign God. Such of your hand, अपने हाथों को बढ़ा टच देम राइट नाउ लेट अवे बी ओपन दरवाजे खुलने पाए लेट द अलोज डोर्स ओपन बंद दरवाजे खुलने पाए के नाम से एवरी सिकनेस हर एक बीमारी अपने घुटनों को टेक दे Every relationship problem, हर एक रिश्तों की समस्या हर एक शैतान का आक्रमण। With यू ड्रॉ in the name of Jesus, ईशू के नाम से दूर हो जाए चंगे हो जाए ही

every one of your children. आपके सभी जनों के चारों तरफ हम बाड़ा मारते हैं. Cover them by the blood of the Lamb. मेमने के लहू से उन्हें घेरे रहे. Jesus name we pray. ईश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। Everybody said, सब कहें। Amen. Amen. Together we will say the grace. मिलकर हम अनुग्रह कहेंगे। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us, never and for, ever and ever. Amen.